हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे गार्डन में आप सभी का स्वागत है। ये जो प्लांट है, ये मिनी चांदनी का प्लांट है और मिनी चांदनी प्लांट बहुत ही खूबसूरत होता है दिखने में और जैसे लगता है इसे प्रूनिंग करके बुशी बनाया गया। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है इसे कोई बुशी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, प्लांट अपने आप ही बुशी सा बन जाता है और बहुत जब भी फ्लावर खिलते हैं बहुत ही खूबसूरत लगता है। देखिए अभी बहुत सारा कली है, देख सकते हो आप लोग, फ्लावर बर्ड्स बहुत है ज़्यादा। जैसे ही बारिश शुरू होगी तो रेनी सीजन में इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होते हैं, अभी से गर्मियों में भी होते हैं और इसमें बहुत धूप चाहिए होता है, धूप में बहुत ज़्यादा फ्लावर खिलते बहुत अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स, इसे ग्रो करने के लिए किस तरह की मिट्टी चाहिए। मैंने देखी यहाँ पे जो है बिल्कुल ही ये बैकयार्ड गार्डन है मेरा, बैकयार्ड गार्डन में मैंने इस प्लांट को ग्रो किया, ज़मीन में, जो ज़मीन में ग्रो किया, तो इसमें कोई भी मैंने खाद नहीं इस्तेमाल किया। अगर आप लोग प्लांटर में लगाए तो इसे जो है एक हिस्सा खाद, एक हिस्सा सैंड और एक हिस्सा गार्डन सॉइल मिला के वेल्डन मिट्टी तैयार करें, तभी इस प्लांट को ग्रो करें तो अच्छी तरह से ग्रो होता है। और इसे लिक्विड खाद, जैसे ज़मीन में लगाया हुआ मैंने, तो इसमें कुछ भी खाद नहीं ऐड करती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ, इसमें कोई क्यारी नहीं करती हूँ, फिर भी प्लांट मेरा बुशी भी है, फ्लावर भी खिलते हैं इसमें। और अगर प्लांटर में लगाए तो हर 10 डेज इनके इंटरवल में कोई भी लिक्विड खाद आप लोग बना के इसमें डाल दें। और इसमें कोई मिलीबग का अटैक नहीं होता है, लेकिन स्लैग जो होते हैं वो पत्ते को पूरा खा जाते हैं, बिल्कुल ही प्लांट को ख़राब कर देते हैं। तो इसीलिए नीम ऑयल स्प्रे करके कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जैसी ये बूशी है प्लांट, तो थोड़ा ऐसे पत्ते को हटा हटा के देखना पड़ेगा, जो स्लैग है तो इसको निकाल के फेंकना पड़ेगा, नहीं तो ये जो स्लैग है वो पत्ते को ऐसे ही खा के प्लांट ख़त्म कर देगा, क्योंकि नीम ऑयल स्लैग के लिए कोई असर नहीं करता है। तो आप लोग इसका ध्यान रखिए थोड़ा, और पानी बहुत ज़्यादा भी नहीं, कम भी नहीं, मतलब ज़रूरत के हिसाब से डालें। नीचे गार्डन में लगाए तो कोई ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है इसे, और अगर प्लांटर में लगाए तो थोड़ा सा केयर, जैसे पानी का ध्यान रखना पड़ता है और धूप चाहिए होता है इसे, तभी अच्छी तरह से फ्लावरिंग करते हैं। और रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होता है इसमें। और इसे प्रोपोगेट किस तरह से किया जाता है, जब भी बरसात आएगा रेनी सीजन में, इसके जो है ये देखिए छोटे से यहाँ से, अगर इस प्लांट को अगर इस जैसे ये देखिए इस तरह से इधर से काट लीजिए, काट के सिंपल गार्डन सॉइल में इसे लगा दीजिए, तो नया प्लांट, जो न्यू प्लांट तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से इसे ग्रो कर सकते हो, तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। सबसे अच्छी बात है जो है इसे फ्लावर ना भी खिले तो इसका प्लांट इतना बुशी बन जाती, इतना खूबसूरत लगता है दिखने में, देख सकते हो आप लोग, देखिए इधर भी है, कितना खूबसूरत लगता है। इसके पत्ते में बहुत चमक होती है, बहुत शाइनिंग होती है। तो इस प्लांट को आप ज़रूर ग्रो कर सकते हो अपने गार्डन में। फ्रेंड्स, और एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मेरे जो व्हाइट कलर का हिबिस्कस है, इसमें देखिए, ये देखिए पिंक कलर में फ्लावर खिले हैं, देख सकते हो आप लोग। इसमें मैं कुछ भी नहीं किया, लेकिन हर 2-3 दिन में एक जो है पिंक कलर का हिबिस्कस खिलते हैं इसमें, देख सकते हो आप लोग। ये एक ही प्लांट है, देखिए यहाँ पे देखिए एक ही प्लांट है, ये देखिए एक ही प्लांट है, लेकिन इसमें हर 2-3 दिन में जो है वाइट कलर का और साथ में पिंक कलर का एक फ्लावर खिलते हैं इसमें, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ मेरे ये छोटा सा जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।